सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द टेलीविजन अपडेट्स। पेट में गुदगुदियां होती है ना, वो टास्क के पहले है। बाय गॉड, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दोबारा नहीं आएगा। रोहित सर, आपको तो सैल्यूट। मैं अच्छा, कि खतरों के खिलाड़ी में काफी सारे आपके दोस्त से कुछ कहना चाहेंगे। बिग बॉस की खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं इस बार का? मैं देख रहा हूँ, एंड इज लॉट ऑफ फन। मुझे मेरे खतरों के खिलाड़ी याद आ रहा है, बिकॉज क्या मस्ती करते थे। मतलब आई थिंक सबको खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए, बिकॉज एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो दोबारा नहीं आएगा। इट इज फिनोमिनल। और जो अंदर जो पेट में गुदगुदियाँ होती है ना, वो टास्क के पहले है। बाय गॉड, उफ, वो स्टंट कुछ और ही होता है। आई मिस माई पीपल फ्रॉम पहले। मैं मेरे खतरों के खिलाड़ी लोगों को मैं हाई करना चाहता हूँ, सारे लोगों को, सलमान, निकेतन, रजनीश, गौहर, कुशल, गुरमीत, देबीना, मुग्धा, एजाज, और कौन थे, मोर लेस ये थे। आई रियली मिस दीज गाइज मैन। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल, एंड यस द न्यू खतरों के खिलाड़ी, आपको ऑल द बेस्ट। और सबसे खिलाड़ियों में खिलाड़ी रोहित सर, आपको तो सल्यूट मैन। आप जो 10 साल पहले लगते थे, अभी भी एग्जैक्टली वैसे ही लग रहे हो। आप में आई थिंक आप एक ऐसी, पता नहीं आप क्या, आप ऐसे कैसे खिलाड़ी जो आप खा रहे हो वो आपकी एजिंग रिवर्स कर रहा है। ये सबसे बड़ा खतरा है हम लोगों के लिए। विकास भारती और श्री भी है, बहुत सारे और भी कंटेस्टेंट, कुछ कहना चाहेंगे लेकर के? देखा आपने शो यार, जिस तरह ये लोग खेल रहे हैं ना, स्टंट तो कर ही रहे हैं ये लोग, उसमें ड्रामा बहुत डाल रहे हैं। आई थिंक दैट्स सो इंटरेस्टिंग। वो हमने नहीं किया, हमने बस सिर्फ मस्ती की है वहाँ पर। ये लोग इसमें बहुत सारा यू नो एक इमोशनल क्वेश्चन भी डाल रहे हैं, तो कुछ करना पड़ेगा हमें भी, वापस करना पड़ेगा खतरों के खिलाड़ी।